श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीत प्रधान सुरजीत सिंह पिट्टेवड़ ने श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी विखे एसटीपी प्लांट का उद्घाटन किया। इस उसारी ते 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस विच 24 घंटिया विच 1 मिलियन लीटर गंदे पानी नू साफ करने की समर्था है अते इस नाल पानी की निकासी हो सकेगी। इस मौके जनरल सकत्तर भगवंत सिंह सियालका, मैंबर राजेंद्र सिंह मेहता, वाइस चांसलर डॉक्टर दलजीत सिंह, डीन डॉक्टर एपी सिंह भी मौजूद सन। अज इत्थे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल लगाया गया, इहदा अज उद्घाटन किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यह संस्था बहुत ही आला संस्था है, वधिया तरीके नाल काम कर रही है। इत्थे जिहड़ियां चीज़ां की सुविधा जिन्हें जिहदी जरूरत आ सानू वो जरूरत दे नाल लगातार उन्होंने पूरियां करन वास्ते असीं लगातार लगे रहिंदे आ। इह जिहड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आ इह पंजाब दा सब तो वधिया मॉडर्न प्लांट आ। साडे सरदार हरबीर सिंह जी एस सी साहब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो उन्होंने सानू बहुत वड्डा साथ दिता और साडे नाल बह के इहदे लई इन लॉन्च जिदण असीं इहनू इहदा कॉन्ट्रैक्ट होया उस कॉन्ट्रैक्ट च और अज तक इहनू चलाउण तक इन्होंने साडे नाल बहुत साथ दिता है, सेवा निभाई है गुरु घर की। सो ये जिहड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है नीयर अबाउट 1.25 करोड़ रुपया खर्च आया। इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट च जिस तरह इन्हें दस्या भी ये वक्री एक बैक्टीरिया छड़े जाते जिते सारा चल जाता गंद वो सारा बैक्टीरिया जोड़े वह खा जाते। सो ये प्लांट यहो जहाँ प्लांट जोड़े लगे आ सू कोई होर नवी प्रॉब्लम नहीं होनी। सो ये जोड़ा प्लांट है ये साढ़े लिए संगत लिए मरीजा लिए हॉस्पिटल जी गंदगी आदि तो सू बचा सकूगा और ये जड़ा मैं महसूस करना भी यदा जरा पानी आ बकरा निकल के वो खेतों में जाऊगा, वो खेतों लगेगा खेतों के जो